हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। और आज है हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर वीडियो नंबर 3। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले के दो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं एंड उन्हें कैसे केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो केमिकल इक्वेशंस कैसे दो टाइप के होते हैं, स्केलेटल इक्वेशन और जिसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल होते हैं तो उनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कोई जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है उसे किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जैसे हर चीज को करने का एक तरीका होता है, वैसे ही किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत इजीली किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को जब बोला जाता है कि आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस कीजिए तो बच्चे क्या करते हैं, जो ये मेन फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का, उसको चेंज कर देते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब बॉक्स ड्रॉ कर लिया इसका मतलब ये है कि अब आप इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, आपको जो भी लिखना है जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर लिखने हैं वो कहाँ लिखेंगे, इसके बाहर लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। ओके, सेकेंड स्टेप है मेक अ लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सो आपके जो इक्वेशन दिया है अनबैलेंस इक्वेशन, उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, उनका आप लिस्ट बना लीजिए। सो हमारे इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, फेरस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड एंड राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड। ओके, फेरस, ओके, जो हमारा आयरन है Fe, Fe के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 1, हियर 3, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स, हियर 2 हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, एंड यहाँ पर 4 एटम्स प्रेजेंट है। अब देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंस्ड, बट फिर आयरन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट बैलेंस्ड। सो हमको इन दोनों एटम्स के जो नंबर हैं उनको बैलेंस करना है। वो कैसे बैलेंस करेंगे, अब हमको चूज करना होता है कि किस एलिमेंट से केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग स्टार्ट करें। ओके, सो इसके लिए भी एक तरीका है। क्या तरीका है कि आपको जब भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होगा तो आप उस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। स्टार्ट बैलेंसिंग विद दोज एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ओके, सो यहाँ देखिए किसके पास मैक्सिमम नंबर है, फेरस के पास 3 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन एटम से। हम हमारा इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से, फेरस प्लस वाटर Fe3O4 प्लस H2O। अब देखिए राइट साइड पर कितना ऑक्सीजन है, 4 है, लेफ्ट साइड पर कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो मुझे अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड पर भी H2O के सामने 4 लिखना पड़ेगा। आप कैसा 4 कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 4H2O। आप ऐसा नहीं करेंगे H2O होल 4, ये जो तरीका है वो गलत है। ओके, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन
को फोर कर रहे हैं, तो आपको फोर कब होगा ऑक्सीजन, जब आप यहां पर फोर लिखेंगे, ओके। ये अगर आप ऐसा लिखते हैं H2O होल ब्रैकेट में फिर नीचे में फोर, तो वो गलत तरीका है, तो आपको वो केमिकल इक्वेशन गलत हो जाएगा, ओके। उसके लिए आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अब देखते हैं फिर से, यहां देखिए फेरस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट फेरस देखिए वन है, इधर थ्री, हाइड्रोजन कितने हैं, फोर टू जा एट हाइड्रोजन हो गया, इधर कितना है अभी टू हाइड्रोजन है, यहाँ फोर ऑक्सीजन एंड लेफ्ट साइड पर भी फोर ऑक्सीजन। अब देखिए हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट फेरस और जो हाइड्रोजन है वो अभी भी अनबैलेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, फेरस और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट साइड पर, फोर, राइट साइड पर टू, एच टू लिखा है, तो ये एट हाइड्रोजन एटम्स कब होंगे, कब होंगे, जब इसके सामने यहाँ पर फोर लिखेंगे, मतलब हाइड्रोजन के कोफिशियंट को हम क्या करेंगे, फोर लिखेंगे, ओके। तो अगर मैं लिखती हूं ऐसा, तो Fe प्लस फोर एच टू ओ चेंजेस Fe3 O4 प्लस फोर एच टू ओ। चलिए चेक करते हैं बैलेंस हुआ क्या इक्वेशन, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ओके। तो फेरस कितना है, वन हियर थ्री, हाइड्रोजन देखिए फोर टू जा एट, यहाँ पर देखिए फोर टू जा एट हाइड्रोजन एटम्स, एंड यहाँ फोर ऑक्सीजन एटम्स, एंड यहाँ पर भी फोर ऑक्सीजन एटम्स, तो अभी भी देखिए हमारा जो आयरन है वो अनबैलेंस है। तो अब आयरन को बैलेंस करते, तो आयरन कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पर थ्री आयरन है, ठीक, थ्री Fe है, और यहाँ पर कितना है वन Fe है, अगर मैं यहाँ पर थ्री लिख दूँ तो वो दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगे। सो थ्री Fe प्लस फोर एच टू ओ Fe3 O4 प्लस फोर एच टू। देखिए अब आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो ये एक तरीका होता है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का। सो लास्ट स्टेप, इसमें सबसे लास्ट स्टेप होता है स्टेप फोर, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब आप फिर से चेक कीजिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं या नहीं। तो देखते हैं Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट राइट साइड पर, फिर अस देखिए थ्री थ्री हाइड्रोजन फोर टू जा एट, यहाँ पर भी फोर टू जा एट हाइड्रोजन, यहाँ फोर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी फोर ऑक्सीजन। सो देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स इक्वल हो गए, सो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये जो हमने इक्वेशन बैलेंस किया है वो क्या है, वो सही है, और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ओके। सो चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, पहला स्टेप क्या है, हमको उसको बॉक्स बनाना है फॉर्मूले के चारों तरफ। सो फर्स्ट स्टेप हमने बॉक्स बना दिया, हमने बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि हमको इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, हमको जो भी चेंजेस करने हैं हम इस बॉक्स के बाहर करेंगे, ओके। सेकेंड स्टेप क्या, मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, ओके। सो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो सोडियम कितने हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो सोडियम वन, यहां पर भी वन, हाइड्रोजन टू, वहां पर टू, और वन, यहाँ वन टू,
तो 1 और 2 3, यहाँ 1 है और यहाँ पर, सॉरी, लेफ्ट साइड पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 + 2 3 हाइड्रोजन एटम्स है। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर भी एक ही ऑक्सीजन है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट जो एटम्स हैं उनको हमको बैलेंस करना है। तो हम किस एटम को चूज करेंगे, किस एलिमेंट के एटम को चूज करेंगे, जिसका जिस एलिमेंट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो यहाँ देखिए, सोडियम के पास एक एक एटम ही है, ऑक्सीजन के भी 1-1 एटम यूज हुए हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ओके, राइट साइड पर। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसे 2 से इंटू कर देती हूँ, यहाँ सामने में 2 लिख देती हूँ, Na प्लस 2H2O, NaOH प्लस H2। चलिए चेक करते हैं इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं। सोडियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर, सोडियम अभी भी 1-1, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पर, और यहाँ पर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। तो अभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ है। So, अब क्या करें, अब हमको कितने हाइड्रोजन चाहिए, इधर 4 हाइड्रोजन चाहिए, ओके। सो अगर अगर मैं यहां 2 से इंटू कर दूं तो, ओके, Na प्लस 2H2O, NaOH के सामने हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे लिखें, कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक, क्योंकि हमको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन हैं, अगर मैं यहाँ सामने में 2 लिख देती हूँ, तो यहाँ अगर मेरे 2 लिखने से यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, ये 2 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो अब चेक करते हैं सोडियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सोडियम कितना है, 1 हाइड्रोजन, इधर 2 सोडियम है, यहाँ 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 2 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, ओके। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ सोडियम अनबैलेंस्ड है, तो सोडियम यहाँ पर कितना है, 2 सोडियम है, यहाँ कितने एटम्स है, 1 सोडियम है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सोडियम के सामने 2 लिखेंगे, 2Na प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2। चलिए चेक करते हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिएक्शन। लास्ट स्टेप क्या होता है, चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। देखिए यहां पर, देखिए सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट में कितने सोडियम है, 2, राइट में भी 2, 2 2 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 2 4 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यह 2। सो देखिए हमारे दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए, सो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब चलते हैं एक और इक्वेशन की तरफ, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है, एथेन है, एथेन किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन गैस से, मतलब बर्निंग हो रही है एथेन की, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और
वाटर में. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना. तो सबसे पहला काम बॉक्सेस बना लेते हैं, बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं. किसमें? फॉर्मूले के चारों तरफ. ओके सेकेंड स्टेप लिस्ट बनाना. तो कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन कितने हैं? लेफ्ट साइड पे. लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन है? टू कार्बन. ओके और यहाँ राइट पर वन कार्बन है. हाइड्रोजन कितने? सिक्स हाइड्रोजन है. इधर टू हाइड्रोजन है. और ऑक्सीजन कितने? टू ऑक्सीजन एटम्स है और यहाँ पर थ्री ऑक्सीजन एटम्स है. अब बैलेंस करना स्टार्ट करते. तो बैलेंस किस एलिमेंट को चूज करेंगे बैलेंस करने के लिए? जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होगा एटम्स के. तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है. तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे? हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ देखिए थ्री सिक्स हाइड्रोजन एटम्स है. यहाँ कितने हैं? टू है. तो अगर मैं यहाँ सामने में थ्री लिख दूं तो थ्री टू जो सिक्स हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे. ओके तो चलिए करते हैं. सी टू C2H6+O2 CO2+3H2O. देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. चलिए चेक करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड. लेफ्ट साइड पे कार्बन कितना है? दो. राइट पर वन. हाइड्रोजन सिक्स. यहाँ पर भी थ्री टू जा सिक्स और यहाँ टू ऑक्सीजन है. यहाँ पर कितने? टू और थ्री कितना हो गया? फाइव ऑक्सीजन. ठीक अब करते हैं हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. अब हम यहाँ पे देखिए सिंपल सा कार्बन बैलेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन एटम से? टू. यहाँ पर वन कार्बन एटम है. तो अगर मैं यहाँ CO2 के सामने उसका कोफिशियंट टू लिख दूँ तो वो कार्बन भी बैलेंस हो जाएगा. तो हम लिखते हैं चलिए C2H6+O2 2CO2+3H2O. अब यहां देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. कार्बन यहाँ देखिए टू कार्बन एटम्स. यहाँ पर भी टू कार्बन एटम्स. यहाँ हाइड्रोजन कितने? सिक्स. यहाँ पर थ्री टू जा सिक्स. हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. यहाँ कितने ऑक्सीजन है? टू ऑक्सीजन एटम्स है. यहाँ टू टू जा फोर और थ्री सेवन ऑक्सीजन एटम्स है. ठीक तो अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया कैसे किया जाए? तो ये एक अलग टाइप का रिएक्शन है जिसमें बैलेंस करने के थोड़ा सा तरीका अलग होता है. आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है? लेफ्ट साइड पर सेवन ऑक्सीजन एटम्स है. ओके राइट साइड पर सेवन ऑक्सीजन एटम्स है. लेफ्ट पर कितने? टू ऑक्सीजन एटम्स है. तो आप सोचिए कि आप यहाँ पर ऐसा क्या लिखेंगे कि जिससे वो सेवन ऑक्सीजन एटम्स वहां पर हो जाए. ठीक आप सोचिए क्या लिख सकते हैं. आप दो मिनट सोचिए क्या लिख सकते हैं. टू लिखोगे तो नहीं होगा, टू टू जा फोर हो जाएगा. थ्री लिखोगे तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा. फोर फोर लिखते हो अगर यहाँ पे तो फोर टू जा एट मतलब ज्यादा हो गया. तो आप इसको तो नहीं लिख सकते. तो अब क्या लिखोगे आप यहाँ पर? आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेवन बाय टू ओ टू. ओके एंड तब यहाँ पर देखिए CH2O. अब यहां पर देखिए कार्बन, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड और राइट साइड पर. लेफ्ट साइड पर देखिए दो, यहां पर भी दो. हाइड्रोजन सिक्स, यहां पर भी सिक्स. यहां पे कैसे काउंट होगा? सेवन बाई टू इंटू टू. तो यहां देखिए टू और ये टू कैंसल हो जाएगा और यहां क्या बचेगा?
सिर्फ 7 ऑक्सीजन एटम। समझ आई आपको कैसे काउंट होगा? ये 7/2 सामने में और ये जो नीचे नंबर ऑफ एटम्स लिखे होते हैं उससे वो इनटू होता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितने एटम्स आ गए? 7 एटम्स आ गए ऑक्सीजन के, और यहाँ पर भी कितने एटम्स हो गए? 2 2 4 और 3 7 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। तो देखिए आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस। बट हम कभी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमें हमेशा वोल नंबर का ही यूज करना पड़ता है, ठीक। हम ऐसे फ्रैक्शन या इंटीजर फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन है, ठीक, हम कभी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमेशा होल नंबर्स का ही यूज करेंगे, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स का यूज ऐसे नहीं लिख सकते हम, लेकिन नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2C2H6। यहां पर कैसे इनटू होगा? 7/2 × 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा? 7 बचा। ओके, सो 7O2, फिर 2CO2 प्लस 2 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, और ये 3 2 6 6H2O। ओके, तो अब चेक करते हैं हमारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो कार्बन का कितना है? 2 2 4। इधर कार्बन कितना है? 4 कार्बन एटम्स हैं। हाइड्रोजन देखिए 6 2 12, इधर 6 2 12 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर देखिए 7 2 14 ऑक्सीजन एटम्स, और यहाँ पर भी देखिए 4 2 8 ऑक्सीजन एटम्स एंड प्लस 6 कितना हो गया? 14 ऑक्सीजन एटम्स। तो देखिए अब आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। सो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड पर क्या होता है कि इक्वेशन राइट हैंड साइड पर हमारे पास 7 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ओके, यहाँ राइट हैंड साइड पर देखिए 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं और लेफ्ट साइड पर 2 ऑक्सीजन एटम है। अगर हमें उनको 7 ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड पर हम 7/2 लिखेंगे और जो पूरा इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपने इक्वेशन तो बैलेंस कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये जो एथेन है वो किस फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में, मतलब आपने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। आपने सिर्फ ये बताया कि एथेन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, बर्न हुआ और उसने किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, ठीक। तो ये बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे इक्वेशन में नहीं बता पाते, तो उनको हम अपने इक्वेशन को किस तरह से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, फर्स्ट फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो आपने रिएक्टेंट लिया है उसका आप फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करिए, वहां पर प्रोडक्ट जो बना है उसका फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करिए। फॉर एग्जाम्पल, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो सॉलिड है तो आप उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड है तो आप उसको स्मॉल एल से, गैसियस फॉर्म में है तो स्मॉल जी से। यदि आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, किसके साथ सॉल्यूशन बनाया उसने? वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया। इफ सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो
सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्यू लिखेंगे, मींस एक्वस. ओके, अगर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से. ओके, अगर गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपवर्ड एरो से. ओके, सो अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारा सॉलिड है तो उसको एस लिखेंगे, लिक्विड स्टेट में तो स्मॉल एल लिखेंगे उसके बारे में, गैस है तो स्मॉल जी. अगर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है आफ्टर रिएक्शन तो आप उसको कैसे बताएंगे, डाउनवर्ड एरो से. ओके, गैस इवॉल्व हो रहा है तो उसे हम कैसे बताएंगे, अपवर्ड एरो से. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है. तो यहाँ सोडियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है. तो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया. और ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में. ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही है तो उसको कैसे बताएंगे, अपवर्ड एरो से. ओके, तो नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेस इवॉल्व्स. ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्नीशियम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, H2SO4 जो होता है एसिड जो होता है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर मिक्स होता है, तो H2SO4 जो होता है वो एक्वस होता है. ओके, मैग्नीशियम सल्फेट जो बना है वो भी एक्वस फॉर्म में ही होगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो हम उसको अपवर्ड एरो से बताएंगे. नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट एंड फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड NaCl सॉल्यूशन. तो बेरियम क्लोराइड जो होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो ये भी कैसा होगा, एक्वस होगा. सोडियम सल्फेट भी एक्वस होगा, और बेरियम सल्फेट जो बनता है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है. ठीक, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड एरो, क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है तो यहाँ पर उसको हम किससे दर्शाएंगे, डाउनवर्ड एरो से. और NaCl जो होता है वो भी एक्वस होता है. ओके, सो आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो हमें उसके फिजिकल स्टेट बताने जरूरी होते हैं. सॉलिड एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को स्मॉल एल से, गैस को स्मॉल जी से. यदि आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में है, ओके, सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो आप उसको एक्वस लिखेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो आप उसे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो आप उसे अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशंस. तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, बहुत से रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर हो जाते हैं, बट बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको अगर हमारे प्रोसीड कराना है तो उन्हें हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं और स्पेसिफिक प्रेशर देते हैं, तो उन्हें भी रिएक्शन में लिखना चाहिए. ओके, उन्हें भी केमिकल इक्वेशन में लिखना चाहिए द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ रिएक्शंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा आर रिटन अबो और बिलो द एरो इन केमिकल इक्वेशन. तो ये जो एक्स्ट्रा कंडीशंस है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, तो टेम्परेचर और प्रेशर तो आपको समझ आ गया होगा. कैटलिस्ट क्या होता है कि जैसे कोई रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अगर हम वहाँ पे कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन का जो स्पीड होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसको बढ़ा देता है. जैसे कोई रिएक्शन 60 मिनट में कंप्लीट हो रहा होगा तो वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा, रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा. ठीक, तो अगर हमारे रिएक्शन में कोई टेम्परेचर यूज हो रहा है, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हो रहा है, प्रेशर पर हो रहा है, कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो उसे हम जो ये एरो होता है उसके ऊपर और नीचे लिखेंगे. ठीक, जैसे कि हैबर प्रोसेस होता है अमोनिया फॉर्मेशन का, तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 200 atm और Fe कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है. ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एरो के ऊपर और नीचे. ओके, नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. तो कई जब रिएक्शंस होते हैं,
ठीक, तो कई जो रिएक्शंस होते हैं तो उनमें हीट इवॉल्व होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक। तो उसको भी हमें इक्वेशन में बताना चाहिए, उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए कि इस इक्वेशन में हीट इवॉल्व हुआ है। और कुछ जो रिएक्शंस होते हैं उनको अगर हमें कराना है तो हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है वहां, मतलब वहां एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होती है। तो जब कभी भी हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे, हीट इवॉल्व होगा तब राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट साइड होता है वहां पर आप लिखेंगे प्लस हीट, ओके। और जब हीट एब्जॉर्ब होगा, यानी कोई रिएक्शन आपको कराना है, प्रोसीड कराना है, तो अगर आपको वहां हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है तब लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखेंगे, प्लस हीट। ये चीज समझ आई आपको, अगर हीट इवॉल्व हो रहा है तो कहां लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उस रिएक्शन में तो उसको कहां लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन, जब कार्बन को बर्न किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ अमाउंट में हीट निकलती है वहां पे। तो देखिए हीट रिलीज हो रही, इवॉल्व हो रही है, तो उसको हम कहां लिखेंगे, लेफ्ट साइड में प्लस हीट करके। अगर हीट हमको चाहिए, रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मतलब अमोनियम क्लोराइड को जब अमोनिया और HCl में ब्रेक करना है, उसे डीकम्पोज करना है, तो हमें हीट देनी पड़ती है वहां पर। ये जब ये रिएक्शन है, पहले हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो डीकम्पोज होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस हीट लिखते हैं। तो आपने समझ आ गई होगी कि कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फर्स्ट उनके फिजिकल स्टेट लिख के, सॉलिड है तो एस, लिक्विड है तो एल, गैसियस फॉर्म में तो जी, अगर वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो एक्वस लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट है तो डाउनवर्ड एरो, गैस है तो अपवर्ड एरो, ओके। सेकेंड, उनके जो स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को। थर्ड, उनमें हीट इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है तब भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर इवॉल्व हो रहा है तो प्लस हीट लिखेंगे कहाँ, राइट हैंड साइड पर, या इफ एब्जॉर्ब हो रहा है हीट तो एब्जॉर्ब हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस हीट लिखेंगे, ओके। सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे उसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी करेंगे, ओके। सो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।